हाँ जी, आज मैं आया हूँ अपने एक दोस्त की तरफ सादिकाबाद में, अब्दुल वहाब के पास। बहुत सारे तोते उन्होंने रखे हुए हैं अपने पास घर के अंदर ही। तो आज हम उनका इंटरव्यू करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनको ये शौक कैसे हुआ और मज़ीद कुछ मालूमात वगैरह लेंगे उनसे तोतों के बारे में। और बाकी ये सनकनोर हैं, ये मेरे पास माशाल्लाह 5 पेयर लगे हुए हैं, ये माशाल्लाह उनके चीक्स 1 पेयर के। इस जोड़े ने भी अंडे दिए थे, इनके बच्चे मैं नीचे ले गया हूँ, ब्रूडर में रखे हैं। ये वहाँ अब इनको अंदर डाल रहे हैं पकड़ के, इसकी क्या वजह है? ठीक है, ये बहुत चालाक होते हैं। अच्छा जी, ये अपने आप खोल के आ जाते हैं बाहर। ये कितने का आता है परिंदा? ये आजकल 1,15,000 का के जी है। साल के किस महीने में ब्रीडिंग करते हैं ये परिंदे? ये सारा साल तकरीबन देते हैं। कितने अंडे देते हैं और कितने बच्चे देते हैं साल में? 3 से 4, 5। अच्छा, और फिर ये इस उम्र का आकर 1 से 1.5 लाख में बिकते हैं ये जी परिंदा? इसकी क्या एज है इस परिंदे की? तकरीबन 3 साल के करीब एज है। इसके अंदर मामा क्या क्या शामिल है? इसमें सूर्यमुखी होती है, मुंजी होती है, जवी होती है, और कनेरी सीड, और कुर्तम, और चीना और कंगनी के दाने होते हैं, वो बीच में बाजरी होती है। आपका अंदाजा ये खुराक तैयार करने में कितना खर्चा आता है, मतलब एक दिन की अंदाजा खुराक के अंदर? एक दिन का तो अंदाजा नहीं, तकरीबन 1 kg, तकरीबन 1 किलो खा लेते हैं ये खुराक। 1 किलो ये सारे परिंदे? हाँ जी, 1 से 1.5 किलो। ये तकरीबन 150 रुपये किलो तक पड़ जाती है। बाकी इनको सॉफ्ट फूड में मैं अंडा ब्रेड डालता हूँ, और इसके ऊपर शहद, थोड़ा सा जैतून का तेल, और काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, वो ग्राइंड करके डाल लेते हैं। बीमारी के लिए इनके अव्वल तो अभी तक तो माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से हुए नहीं हैं, तो हो जाए तो जो नॉर्मल ब्रूफन शरबत या पेनाडॉल वगैरह या फ्लैजल, यूट्यूब से नॉलेज मिल जाता है सारा कुछ। उधर से जो चीज़ देखनी हो, इनकी बीमारी वगैरह का, इनकी ब्रीडिंग का, कोई खुराक वगैरह का, इनके केजिंग वगैरह का, तो सारा नॉलेज उधर से मिल जाता है। ये रेटिनम शरबत है, ऐसा मल्टीविटामिन यूज़ करता हूँ। ये माइलक के मल्टीविटामिन है, और सेलेनियम वगैरह, कैल्शियम वगैरह, और ये एप्पल विनीगर इनको की डिवॉर्मिंग के लिए, और ये फर्टिलिटी के लिए। ये माशाल्लाह इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म का अपना सेटअप बनाया हुआ है वहाँ आपने यहाँ पे, और पूरा एक कमरा मुख्तस किया हुआ है इन्होंने। क्या कीमत है? ये तकरीबन महीने का जो जोड़ा है वो 1,10,000-20,000 तक का। ये जी लैक्टस की फीमेल है, ये अभी हैंड फीड के ऊपर है। इनके पर काटे हुए? नहीं नहीं, ये अभी छोटे हैं, अभी इसके पार आ रहे हैं। इनके पर काटे हुए? नहीं नहीं, ये अभी छोटे हैं, अभी इसके पार आ रहे हैं, फुल आए नहीं है। इसकी जो दुम है वो इतनी बड़ी हो जाएगी। तो अब्दुल वहाब, ये तोतों का शौक आपको कब से शुरू हुआ? तोतों का शौक मुझे तकरीबन 2013-14 से। अच्छा, हाँ जी। और ये आपको किसी को देख के इसका शौक हुआ? हाँ जी, मुझे देख के इसका शौक हुआ। ठीक, असल में इनके ना कलर जो है ना पैरट्स में, वो सबसे प्यारे हैं। ठीक ठीक, परिंदों में सबसे ज़्यादा प्यारे कलर पैरट्स में।
अच्छा इन तोतों की एवरेज कितनी उम्र होती है? इनकी तकरीबन 20 साल। 20 साल? अच्छा, आपके पास जो पुराने से पुराना तोता है या परिंदा है वो कितनी एज में है? अभी तो मेरे पास जो है वो 3 साल से अब कोई नहीं है। ठीक, आप मतलब 3 साल से ये काम कर रहे हैं? हाँ, उससे पहले मैंने थे वो सेल परचेज ले लिए, बेच दिए। आपने इस कारोबार को या इस काम को या अपने इस शॉप को आपने कारोबार भी बनाया? जी। आपको कुछ स्कोप नज़र आया? हाँ जी, माशाल्लाह अच्छा काम है। अच्छा, हाँ जी। फिर आप इसकी कैसे इसको आप बेचते हैं, मतलब कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं इसको बेचने के लिए? प्लेटफॉर्म ऑनलाइन भी सेल कर देते हैं। अच्छा, और शॉप्स वगैरह भी। अच्छा, ऑनलाइन आप क्या यूज़ करते हैं? व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं? ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है, उनमें सेल हो जाते हैं। और आप मतलब अपने आपने मुख्तलिफ परिंदों की तस्वीरें खींच के आपने उस ग्रुप में डाल दी? जो सेल करने हैं उनकी तस्वीरें लगा दी साथ में। ये लेक्टस की फीमेल है, तकरीबन 15-20 दिन हो गए मुझे लिए हुए। अच्छा जी, ये आपने कितने में खरीदी? ये मेरे पास आके कवर हुई है, इससे पहले तो इसके ब्लैक फर थे। अच्छा जी, ये मैंने 55 का लगाया। और ये कहाँ से खरीदी आपने? ये मैंने भावलपुर से। और ये फिर कैसे आया आपके पास? ये उन्होंने कार्गो करवा दिया था। तो ये कार्गो में मतलब? अच्छा, उसमें स्पेशल बॉक्स होते हैं? हाँ जी। ठीक, आप माशाल्लाह से एक कामयाब बिजनेसमैन, तो ये जो शौक आप कर रहे हैं इससे आप अंदाजन महाना कितना कमा लेते हैं? अभी महीने का तो अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, तो बाकी जब बेचनी हो चीज़ तो बिक जाती है, प्रॉफिट में बेचनी है। ठीक ठीक, तो ये जो सेटअप आपने बनाया हुआ है कमरा, इस पे आपका कितना खर्च आया पिंजरे वगैरह बनाने में, दूसरा जो लाइट्स वगैरह या बल्ब वगैरह लगाए आपने, कोई का टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल किया? कमरा तो सिंपल कमरा ही है। अच्छा, बाकी केजेस का खर्चा जो है वो होता है बस। ये आपको लोकल सादकाबाद में बने बनाए मिल जाते हैं? ये लोकल सादकाबाद में मिल जाते हैं बने बनाए। अच्छा अच्छा, वहाँ अगर कोई आपसे परिंदे खरीदना चाहे तो आप अपना मोबाइल नंबर बताइए। मोबाइल नंबर 0336-8566700। जी, ये इनका मोबाइल नंबर है, ये अब हम स्क्रीन के नीचे भी चला देंगे ताकि अगर आप ये परिंदे खरीदना चाहें सादकाबाद से मकामी हैं या भावलपुर मुल्तान तक। चलें वहाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई आपका ये शौक देख के। मेरे ख्याल में कारोबार के साथ साथ अगर इंसान ऐसा है कुछ शौक रखे तो ये इंसान का दिल लगा रहता है। बिल्कुल, चलें बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।